पांच कैरेट की, पांच कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं यार? पांच कैरेट ही कैरेट। डे वन को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? रोज एवल से क्या कहते हैं? मंजी धले डांग, मंजी धले डांग। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझे, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ तो हम अच्छा कॉन्टेक्ट बना रहे हैं ना, हम कौन सी चावल सी वीडियो बना रहे हैं, हम भी अच्छी वीडियो बना रहे हैं और हम भी मेहनत करते हैं, हम भी पैकेज आया करते हैं। पखा परा कर रहे तू पाकिस्तान। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर PI की फ्लाइट आपने पकड़नी है लाहौर के लिए और 7 बजे जा रही हो कराची से, तो एयरपोर्ट को आपको 6 बजे पहुंचना है और आप घर में उठे 6:30 बजे, तो आप जहाज कहां से पकड़ेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। आपने शेव भी करनी है, आपने अपना ब्रश भी करना है। शफाफियत, शफाफियत की अगर मैं बात करूं, और भाई मिस्टर बैठ जाओ, शफाफियत की मैं बात करूं, और भाई आप बैठ जाओ, रिशाबत बैठ जाओ, बैठ जाने बैठ जाए। शफाफियत, शफाफियत की अगर बात करूं, बस भाई बैठ जाए, बैठ जाए भाई, बस भाई कभी कभी मायूस ना हो, बस मेरे बैठा जाए, और भाई बस भाई बैठ जाए, बस कभी कभी मायूस ना होना, खामोशी इख्तियार करो, शाबाश खामोशी इख्तियार करो। अंधेरा कितना गहरा हो, अंधेरा कितना गहरा हो, शहर की राह में आए कभी भी हो नहीं सकता, सवेरा हो के रहता है। दो दिनों में वो पता चल जाएगा आपको, यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भैया करूंगा।